खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 जून है और दिन है बुधवार। दोपहर अपडेट ये है कि भरतपुर का बाजार 55 से 60 रुपए तक सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बाकी मंडियां हैं वो अभी स्टेबल हैं, स्थिर हैं। जो भाव शनिवार मंगलवार को था वही भाव लगभग आज भी दिखाई दे रहा है। कहीं कोई गिरावट नजर नहीं आई है, आज भी आवकों में कोई सुधार नहीं हुआ है। वही 2.5 से 3.25 लाख गट्टों की आवक हो रही है, आवक नहीं बढ़ रही है, ये एक चिंता का विषय है। और आवकें न बढ़ने से क्या कितना दबाव रहेगा बाजार पर, ये आने वाला समय बताएगा। और मुझे लगता है कि एक दो दिन में थोड़ा सा और सुधार सरसों के अंदर देखने को मिल सकता है, फिर बाजार में ठीक ठाक माहौल भी बनने लगेगा और सरसों की गति भी तेज होगी। कॉटन बाजार में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बड़ा परिवर्तन नहीं है, बाजार स्टेबल सा है। जहां कल 12,000 रुपये के नरमे के भाव हो रहे थे, यानी ढेरियों की बोली हो रही थी, लगभग वही भाव 11,500 रुपये से 12,000 के बीच में नरमे का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम को 5 बजे आपको पूरे वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।